आप जरूर जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि सर हमारा पल्स रेट या हार्ट रेट दोनों एक ही होती है, कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा पल्स रेट 50 से 90 तक पर मिनट नॉर्मल होता है। 70 आम आदमी में पाया जाता है, 70 10 आगे पीछे तो होता ही है, पर कभी कभी 90 तक भी हो तो भी हम लोग इसको नॉर्मल मानते हैं, और कभी 50 तक हो तब भी नॉर्मल मानते हैं। इनमें से कौन सा ठीक रहेगा? याद रखिएगा, 70 के नीचे वाला ठीक रहेगा, 60 बहुत बढ़िया मानते हैं और 70 हो तो भी ठीक है, 80 90 है तो इसका मतलब हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है। अब ये हार्ट रेट में एक देखा जाता है कि ये बीट में एकदम रेगुलरिटी होता है। रेगुलरिटी को हमारे भाषा में बोलते हैं रिदम। ये रिदम में होता है, एक के बाद कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट में एक पेस मेकर लगा होता है जिसका नाम है एसए नोड। ये स्वतः हमारे बॉडी में होता है और इसको हम लोग पेस मेकर नहीं बोल के इसको एसए नोड बोलते हैं मेडिकल भाषा में। ये हमारा हार्ट को चलाता रहता है और इसी के वजह से हार्ट की स्पीड ऊपर नीचे होती है। जब भी हम एक्साइटेड होते हैं तो जो ओरिजिनल पेस मेकर है इसे नोड को स्टिमुलेशन मिलता है, हार्ट की स्पीड बढ़ा देता है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलता, हार्ट की स्पीड को कम कर देता है। जब भी हम कोई को पल्स रेट चेक करने बोलते हैं तो उनको बोलते हैं आप 5 मिनट बैठो चुपचाप आराम से, फिर देखो एक्चुअल हार्ट रेट कितना है, आपका पल्स रेट कितना है। देखने के ऊपर, मैंने कैसे पल्स रेट देखना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना के रखा है। अब बात करते हैं अगर पल्स रेट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए इसका क्या मतलब है। इसको बोलते हैं एरिथमिया। कभी कभी हार्ट का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, और हार्ट का रेट 50 से कम हो जाए तो इसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ये टर्म अगर आपने नहीं सुना तो सुन के रखिए। हार्ट की स्पीड जब बहुत ज़्यादा होता है डॉक्टर्स के टर्म में बोलते हैं भाई टैकीकार्डिया हो गया। जब भी कोई एक्साइटेड होता है, टेंशन में होता है तो टैकीकार्डिया आ जाती है, और आदमी बहुत रिलैक्स रहता है या स्पोर्ट्समैन होता है उनको ब्रैडीकार्डिया होता है। अगर इनके अंदर कोई ब्रेक नहीं है या वो लोग एक के बाद एक आ रहे हैं तो इसको हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी हार्ट के दो तरह की और एरिथमिया होती है। एक में हार्ट की बीट बीच बीच में मिस हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर एक्टोपिक्स। वेंट्रिकल जो है हार्ट का वो कभी कभी एक आध मिस कर जाता है। तो करीब पूरे दिन में 1 लाख बीट होती है, उसमें 3000 तक अगर मिसिंग हो तो हम लोग उसको खास बात नहीं मानते, नॉर्मल मानते हैं। तो इसलिए कभी आपका पल्स आप चेक करते हैं और उसमें देख रहे हैं एक आध मिसिंग आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और होता है जिसमें हार्ट की स्पीड कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। वो वाली ब्लॉक नहीं है जो कोरोनरी आर्टरीज में होता है हार्ट अटैक के वक्त होता है, ये इसको बोलते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल ब्लॉक। उसमें क्या होता है, हार्ट की बीट एक आया दो आया, एक स्लो हो गया फिर फास्ट हो गया फिर स्लो हो गया फास्ट हो गया। ये सारी की इलाज हमारे पास मेडिकली है, हम लोग दवाई देके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो हार्ट की स्पीड बढ़ जाए तो कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेलजीम होता है, या और भी कुछ दवाइयाँ होते हैं जो हम लोग हार्ट की स्पीड को कम करने के लिए, कॉर्ड्रोन करके एक दवाई होता है, मियोडारोन होता है, उनको हार्ट की स्पीड कम करने के लिए देते हैं। हार्ट की स्पीड कम हो जाए तो उसको बढ़ाने की भी दवाई है, ऑलूपेंट या और सी बेस्ट। तो इस तरह की दवाइयाँ हमारे मेडिकल साइंस में है, कोई का हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए उसकी दवाई दे दो, पर कहीं मिसिंग आने लग जाए उसकी भी दवाई हम लोग दे सकते हैं। तो एलोपैथी की दवाई से एक बार टेम्पोररी कंट्रोल हो सकता है, पर अल्टीमेटली याद रखिए ये जितने भी एरिथमिया है उसका कारण है टेंशन, और उसका कारण है गलत खान पीन रहन सहन। तो इसको अगर आप सुधारेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम रखेंगे तो आपकी पेस मेकर भी बची रहेगी और आप भी ठीक रहेंगे। आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो कभी हार्ट की स्पीड 90 के अंदर हो तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, 50 के अंदर हो, हाँ 50 से कम होने लग जाए, 40 से कम होने लग जाए तो इसका मतलब है एसए नोड काम करना बंद कर दिया है। तब आदमी 40 की स्पीड में आता है, इसका मतलब एवी नोड काम कर रहा है, उसका सेकेंड बैकअप है, एसए नोड का भी बैकअप है वो एवी नोड है, वो 50 से ऊपर कभी नहीं जाती, उसमें 30-40 चलते रहती है, और उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। उसमें हम लोग कभी कभी पेस मेकर लगाने की भी एडवाइस देते हैं, और अगर हार्ट रेट 40 के ऊपर हो तो हम लोग दवाई दे के भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की कभी हो तो आप ज़रूर कोई कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, हम लोग से भी वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, हम आपको शायद हेल्प कर दें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है, साउल हार्ट सेंटर हमारा इंडिया भर में हमारे 100 ब्रांचेस हैं, जहाँ पर हम हार्ट की बीमारी का बिना सर्जरी बिना एंजियोप्लास्टी का इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच।